वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो जावा पे ही है और ये जो लेक्चर है ये आप देखेंगे कि कैसे हम जावा पे प्रोग्राम कहाँ कहाँ बना सकते हैं, यानी किन किन प्लेटफॉर्म्स पे बना सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जावा के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे नोटपैड का और कमांड प्रॉम्प्ट का, यानी जावा को चलाने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चला सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में पहले मैं ये आपको बता दूं कि कैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू इनपुट लेते हैं, यानी ये कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम है जावा का जिसमें कमांड लाइन के थ्रू हम इनपुट लेंगे। तो हम सबसे पहले नोटपैड का एक फाइल बनाते हैं जहाँ पे हम जावा के प्रोग्राम्स को लिखेंगे और कमांड लाइन के थ्रू इनपुट लेंगे। तो मेरे पास एक क्लास है, क्लास CLA कमांड लाइन आर्गुमेंट, और मैंने इस्तेमाल किया है PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया हुआ है और मेन में बनाता हूँ। यहाँ पे STRING स्ट्रिंग ARGS आर्क्स ले लिया है और ये हमारा मेन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेना है। वैसे दोस्तों, ये जो स्ट्रिंग है इसका एक वेरिएबल है, ये ARGS है, यानी इसका एक ऑब्जेक्ट है वो ARGS है। ARGS का यूज़ हम लेते हैं इनपुट कराने के लिए, यानी यहाँ पे ARGS स्ट्रिंग टाइप का इसलिए है क्योंकि ईजिली स्ट्रिंग किसी भी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ना इंटीजर लिया गया ना फ्लोट लिया गया, यहाँ पे सीधे ARGS का इस्तेमाल किया गया जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। और ARGS का इस्तेमाल है कि आप, ये जीरो एम्प्टी एरे है, यहाँ पे आप इनफाइनाइट वैल्यू इनपुट ले सकते हो जितना आप चाहो। तो ये जो है ARGS का इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं। कैसे करना है, क्योंकि ARGS स्ट्रिंग टाइप का है तो इससे जो भी वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो आपके स्ट्रिंग टाइप के ही बनेंगे। तो मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेता हूँ STRING स्ट्रिंग, पहला वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है, रेफरेंस जो भी नाम ले लें। तो पहला है स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू तो ARGS का जीरोथ पोजीशन, ARGS का जीरोथ पोजीशन। ऐसे ही आप स्ट्रिंग एक और ले लो, कंट्रोल, मैंने इसे स्ट्रिंग एक और ले लिया है यहाँ पे। तो ऐसे तीन स्ट्रिंग मैंने ले लिया है जो कि जीरो पोजीशन है, वन दूसरा स्ट्रिंग है जो फर्स्ट पोजीशन पे है जिसका नाम है बी एंड इस तीसरे का नाम है सी जो कि हमारा थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड स्ट्रिंग। यहाँ पे अब हम इन तीनों को प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं ये इनपुट करा के कैसे प्रिंट होता है। तो हम इनपुट कराएंगे system सिस्टम डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो ये पहली वैल्यू होगी, यानी मैं यहाँ पे लिखूँगा entered value of a is, जो भी आप वैल्यू इनपुट करोगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया a, a में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही ये वैल्यू हम b में भी इनपुट कराए हैं तो b में भी स्टोर हो जाएगी। तो ये तीन वैल्यूज़ हमने इनपुट करा ली हैं और उसे प्रिंट भी करा लिया है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ अगेन b एंड वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ c इज c। तो यहाँ पे हमने a, b, c तीनों की वैल्यू इनपुट करा ली है। आपको मेन की क्लोजिंग करनी होगी, फिर आपकी क्लास की क्लोजिंग होगी। अब फाइल को हम सेव कर देंगे, क्लास के नेम से ही फाइल को हम सेव करते हैं। फाइल को हम सेव करते हैं, सेव डेस्कटॉप पे मैंने फाइल सेव किया जिसका नाम है CLA.java। ये मैंने फाइल सेव कर दिया है और इसको मैं ऑल फाइल्स देके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे मेरी फाइल जो है वो सेव हो गई है और यहाँ पे आपको CLA नाम से एक फ़ाइल दिखाई दे रही है जो कि जावा टाइप की फ़ाइल है। मैंने .java से एक फ़ाइल बनाया हुआ है और इस फाइल को मैं कंपाइल करूँगा। कैसे कंपाइल होगी, तो ये आपकी कमांड प्रॉम्प्ट से कंपाइल होगी, यानी .dot से कंपाइल होगी। तो यहाँ पे आते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी आपके सामने खुला हुआ है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो डेस्कटॉप पे चलते हैं, तो CD डेस्कटॉप। अगर आपको CD समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे बहुत मतलब पीछे वाले लेक्चर्स को देखें जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट यानी डॉस को बताया गया है। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे फाइल को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा का कंपाइलर है जावा C,
जावा सी, और उसके बाद अपने क्लास का नेम देंगे जो कि सी एल ए के नाम से है। यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं सी एल ए डॉट जावा। आप सी एल ए डॉट जावा को कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपकी फ़ाइल कंपाइल हो गई है और यहाँ पे क्लास फाइल आपकी बन के आ चुकी है। अब इसको रन कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे आपको फाइल में दिखाई दे रहा है कि तीन आर्ग्यूमेंट्स इनपुट हुए हैं। पहला है ARGS 0, ARGS 1 एंड ARGS 2। यहाँ पे आप लिखोगे जावा इन इंटरप्रेटर का नाम, क्लास का नाम सी एल ए, और कितने वैल्यू देनी है आपको, तो मैंने तीन वैल्यू देनी है, तीनों स्ट्रिंग टाइप का है तो आप इसमें कुछ भी इनपुट कर सकते हो। तो मैंने डाला है यहाँ पे कि पहली वैल्यू है नेम, नेम क्या है दुर्गेश, DURGESH दुर्गेश सर नेम, पहला है दुर्गेश सर, दूसरा है मेरा एज यानी एज, और तीसरा है स्पेस दे के लिखना है, यहाँ पे लिखा है मैंने 123.00। ये मैंने तीन वैल्यू इनपुट कर दी है। अब इनपुट जैसे ही कराएंगे ये आपको दिखाई देगा कि ये प्रोग्राम चल चुका है और आपने जो इंटर किया था दुर्गेश सर 30 और दुर्गेश सर ये वैल्यू हमारी आ रही है। ये दूसरी बार दुर्गेश सर क्यों आया है, क्योंकि लगता है मैंने यहाँ पे ए रखा ही है, यहाँ पे सी नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ। यानी जो थर्ड वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है वो सी यहाँ पे चेंज नहीं था जो मैंने अभी चेंज किया है, और इसे दोबारा रन कराते हैं। फिर से रन कराने के लिए आप क्या करेंगे, तो फिर से कंपाइल करेंगे फाइल को और जो वैल्यू आपको देनी है आप वैल्यू दे देंगे तो वो वैल्यू आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये मैंने किया हुआ है इंटर्ड वैल्यू ABC 012 012 ABC 012। अगेन कंपाइल CLA JAVAC CLA.java एंड वैल्यू 2.5 एंड व्हाट्स। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर से कोई प्रॉब्लम आ रही है जो कि सी की वैल्यू प्रिंट नहीं कर पा रहा है, तो हम इसे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। यानी अगर एक बार मैं फ़ाइल को डिलीट करके देखता हूँ कि क्या ये कंपाइल कर पा रहा है कि नहीं, तो मैंने क्लास फाइल डिलीट कर दी है, दोबारा कंपाइल करते हैं अगेन इस क्लास को। ये जावाक मैंने कंपाइल किया हुआ है, दोबारा मैंने फिर से वही वैल्यू दिया हुआ है दुर्गेश सर 30 और 2.5, और यहाँ पे वो वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है JVM, वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो पा रही है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रिंट कराने का था, जिसमें कमांड लाइन से हम आर्ग्यूमेंट लिए थे। कमांड लाइन में जाके यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट इनपुट किया जावा CLA, और ये इनपुट आपको दिखाई दे रहा है कि ये तीन इनपुट हमने दिया है दुर्गेश सर 30 और 2.5, तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारी प्रिंट हो जा रही है, जिसमें ए की वैल्यू हमारी ए है, बी की वैल्यू हमारी जो बी में स्टोर हुई है वैल्यू, और सी की वैल्यू जो है हमारी जो स्टोर हुई है हमारे थर्ड एरे में। तो ये था हमारा जावा का प्रोग्राम जिसमें हम कमांड लाइन से इनपुट लिए थे। अब अगले प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे IDEs के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।